एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं थ्री, यूजिंग थ्री ईयरली वर्किंग एवरेज फाइंड द ट्रेंड वैल्यू एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस फॉर द फॉलोइंग सीरीज, ईयर दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। एक बात हमेशा समझना, जैसे इसके पहले आप इंडेक्स नंबर बनाए थे, आपने देखा था कि काफी इजी बात है, सिर्फ अपने से आप सब कुछ निकाल सकते थे, ओके? ये भी कुछ भी नहीं है, इसमें 2-3 क्लास के बच्चे अगर बैठे रहेंगे वो भी कर लेंगे, क्योंकि 3 ईयरली में 3 को जोड़ना है, 4 ईयरली में 4 को जोड़ना है, 5 ईयरली में 5 को एड करना है, प्लस करना है, तो 3 कोई नंबर आप प्लस नहीं कर पाएंगे, 4 कोई नंबर आप प्लस नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो देखेंगे यहां पर जो बोला है पहले उसको लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मूविंग, तो कितना ईयर है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, एवरेज का मतलब जानते हैं ना, जितने नंबर को जोड़ते हैं तो सभी को जोड़ के उतना से डिवाइड करते हैं, जो सम्स दिया है ना पहले उसको उतार दो, जैसे ईयर दिया हुआ है और वैल्यू दिए हुए हैं, बीच में थोड़ा गैपिंग करके उतारेंगे ताकि देखने में सुंदर लगे, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू दिया हुआ है 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13 कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। इसलिए दिक्कत नहीं होगा आपको क्योंकि ये तो हम लोगों ने जो सम्स दिया था हमारे पेपर में या कॉलेज में या स्कूल में उसको हम लोगों ने उतार दिया। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, सब कोई बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है, 3 साल का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के पहले क्या करना पड़ेगा, 3 साल का टोटल करना पड़ेगा, तभी तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके बाद का जो काम करेंगे वो 3 ईयरली मूविंग टोटल करेंगे, क्या करेंगे, 3 ईयरली मूविंग टोटल। ये टोटल जब आ जाएगा तो फिर हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली मूविंग एवरेज मतलब कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, यही ट्रेंड वैल्यू हो जाएगा आपका, यही क्या होगा आपका, ट्रेंड वैल्यू PV, यही ट्रेंड वैल्यू हो जाएगा। कैसे करते हैं आइए हम लोग देखते हैं इसको, थोड़ा आप लोग कैलकुलेटर देख लीजिएगा एंड सम्स में भी दिया हुआ है, थोड़ा बताएंगे आप। देखो 3 साल का टोटल कैसे किया जाता है, ये ईयर से मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब है। ये देखो ये 3 साल का हम लोग टोटल करेंगे, जब 4 ईयरली बोलेगा तो 4 को पकड़ेंगे, 5 ईयरली बोलेगा तो ये 5 को पकड़ेंगे, ओके? कितने साल का बोल रहा है, 3, तो टोटल करो 3 साल का, यहां पर हम लोग लिखे हैं 3 ईयरली मूविंग टोटल, ये 3 साल का टोटल कर रहे हैं हम लोग, 2 एंड 4, 6 एंड 5 कितना हुआ, बीच में लिखते हैं तो ये तीनों का बीच क्या होगा, इसके सामने लिखेंगे, ऊपर में 1 साल का आउट। अब देखो ऊपर से 1 छोड़ें, नीचे 1 आए, इस चीज को ही समझना है, 5 एंड 4, 9 एंड 7 कितना, ठीक है, ठीक उसके नीचे लिखें, फिर देखो ये, फिर नीचे आए कितना हुआ, 8 एंड 7, 15 एंड 5, 20 ये देखिए, फिर नीचे आए कितना हो जाएगा, 8, 7, 15 एंड 10, 25 बताइए इसके बाद कितना होगा, ये तीनों का 31 और इसके बाद 3 तो है नहीं, इसलिए नीचे में भी 1 छूट गया। कैसे किए हम लोग आइए फिर से देखते हैं, मिटा रहा हूं मैं,
जब थ्री ईयरली बोलेगा ना तो आप तीन का टोटल करना, फोर ईयरली बोलेगा ना तो चार का टोटल करना, फाइव ईयरली बोलेगा तो पांच का टोटल करना। यही तो है थ्री फोर फाइव ईयरली, कितना आसान है। अब हमको यहां थ्री ईयरली बोला, ये तीन का टोटल करेंगे तो टू एंड फोर सिक्स एंड फाइव इलेवन, दो और चार छह और पांच ग्यारह, ऊपर से एक छोड़ेंगे क्योंकि बीच में लिखा जाता है, फिर ऊपर से एक छोड़ेंगे नीचे आएंगे, कितना बोले थे बोलिए, ये तीनों को ऐड करेंगे, चार और पांच नौ और सात सिक्सटीन, सोलह, फाइव एंड सेवन ट्वेल्व और आठ, तो कितना हो गया बीस, इसको जोड़िए फिफ्टीन एंड टेन ट्वेंटी फाइव, एंड इसको कितना बोले थे आप थर्टी वन, नीचे एक छोड़ दिया। अब देखो यहां तक तो हो गया, ये तीन साल का टोटल है, आप थ्री ईयरली मूविंग एवरेज आप लिख रहे हो, यहां जब कुछ नहीं है तो इसका तो कुछ होगा नहीं, एवरेज करना है इलेवन तीन साल का टोटल, तो थ्री से डिवाइड करेंगे, पांच का रहेगा तो पांच से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई थ्री किए, देखिए थ्री पॉइंट ढेर सारा सिक्स 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 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिक्स सेवन। इसी तरह से सिक्सटीन को ट्वेंटी को ट्वेंटी फाइव को थर्टी वन को थ्री से हम लोग डिवाइड करते जाएंगे और हमारे पास ये आएगा फाइव पॉइंट थ्री थ्री, सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन, 8.33, 10.33 और फिर हम लोग यहां पर एक डैश लगा दी। मैथ में नंबर उठाना या पास करना काफी आसान है, सिर्फ अगर आप पांच चैप्टर को देखते हो तो पांच चैप्टर आपको 50 मार्क्स देता है, तो फिर इतना दिमाग लगाने का बात ही कहां है, और वो भी आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथ, उसके अंदर भी क्या स्टैटिक्स, जो कि काफी आसान होता है। यहां एक चीज और भी बोला है, देखिए क्या बोला है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, क्या बोला है, तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कैसे निकलता है, वैसे ये मूविंग एवरेज निकल गया, हम लोग शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन निकालने जा रहे हैं, सिर्फ इसमें बोला है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कैसे करते हैं, तो ये जो वैल्यू आया ना, इस वैल्यू से ये जो ट्रेंड वैल्यू आया, ये ट्रेंड वैल्यू हुआ, वैल्यू से ये जो ट्रेंड वैल्यू हुआ उसको माइनस करते हैं, क्या करते हैं वैल्यू माइनस ट्रेंड वैल्यू, तो देखो इसका तो कुछ नहीं होगा, फोर में से कितना माइनस करोगे आप 3.5 से क्या माइनस करोगे, इसी तरह से 7 से क्या माइनस होगा, 8 से क्या माइनस होगा एंड 10 से क्या माइनस होगा, और ये तो होगा नहीं। अब माइनस कर दीजिए, पहला का आ रहा है 0.33, दूसरे का भी आ रहा है बट माइनस आ रहा है 0.33, इसका प्लस में आ रहा है 0.33 बट इसका माइनस में आ रहा है 0.33 एंड इसका भी माइनस में आ रहा है 0.33। आपको क्या मांगा था ट्रेंड वैल्यू, क्या मांगा था ट्रेंड वैल्यू, इसलिए सम्स को बनाने के बाद नीचे में एक लाइन लिखना चाहिए, हिंस द ट्रेंड वैल्यू आर, क्या क्या आया है बोलिए, 3.67, 5.33, 6.67, 8.33 एंड 10.3। और सुंदर अगर दिखाना चाहते हैं तो इसको नीचे में ऐसे करके बंद कर दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, वो तो आपके ऊपर है कि किसी भी चीज को आप कितना सुंदर ढंग से पेश करते हैं। थ्री ईयरली में किसी को कुछ पूछना है बोलिए, क्यों नहीं पूछना है, क्योंकि इसमें कुछ था भी नहीं, सम्स को हम लोगों ने पेपर से उतारा और तीन तीन वैल्यू को हम लोगों ने प्लस किया, तीन से डिवाइड किया, काम खत्म हो गया, ठीक है। आइए अब हम लोग फाइव ईयरली देखेंगे, क्या देखेंगे फाइव ईयरली।